सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आज अयोध्या विवाद को लेकर सामने आ गया है। जो विवाद इतने सालों से चलता आ रहा था, जिसको लेकर कई तारीखें मिली, लेकिन आखिरकार उस तारीख का इंतजार था कि आखिरकार इस पूरे विवाद को लेकर फैसला कब आएगा। वो तारीख आज की, जहां 9 नवंबर 2019 इस तारीख को याद किया जाएगा, इतिहास के तौर पर लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों में कि आखिरकार जो विवाद मुस्लिम और हिंदुओं के बीच चल रहा था अयोध्या विवाद को लेकर, वो सुलझ गया है और सुप्रीम फैसला आ गया है, जहां पर राम जन्मभूमि न्यास को यहां पर विवादित जन्मभूमि की जिम्मेदारी दे दी गई है। यानी कि जल्द से जल्द अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि दावों में कहीं ना कहीं कमजोरी यहां पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से देखी गई, जिसके बाद फैसला लेते हुए, फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, अयोध्या में दी जाएगी, जहां पर मुस्लिम पक्ष मस्जिद का निर्माण कर सके। तो चर्चा यहां पर कर रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है, हर कोई इसे स्वीकार कर रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर देखा जाए तो यहां पर संतुष्टि उस फैसले को लेकर नहीं दिख रही है। हालांकि स्वीकार किया है पूरे सम्मान के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेहमानों का परिचय आपको यहां पर करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के नेता हैं। इसके साथ ही डॉक्टर सुनील कौशिक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, और वहीं संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और बात कर लेते हैं, आखिरकार जिस तरह से फैसला आया है, जिसको लेकर उम्मीद काफी समय से लगाई जा रही थी कि आखिरकार ये मसला सुलझेगा कब, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए और कई धार्मिक संगठनों की तरफ से देखा जाए तो कहा जा रहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि मामला काफी समय से अटका हुआ था, लेकिन अब तो तारीख वो सामने आ गई, जब फैसला कहीं ना कहीं सुलझ गया है। लेकिन अब पूरी देखा जाए तो केंद्र सरकार को जिम्मेदारी, जहां पर ट्रस्ट बनाने को कहा गया है। देवेंद्र प्रमुख जी, अब जो फैसला था वो तो सामने आ गया है, तारीख अब तो बता दी जाएगी कि राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कब से होगा, आगाज कब से होगा? रितु जी, बहुत अच्छा समय है आज, बहुत अच्छा दिन है पूरे लोकतंत्र के लिए। 135 करोड़ लोगों की जिसमें आस्था जुड़ी हुई थी, उसको उसके लिए उन सब की तरफ से मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को बार बार इसके लिए बधाई देता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से एक बड़ा फैसला, डिसीजन बड़े पैनल्स के माध्यम से हुआ, सारे देश के लोग उसका सम्मान कर रहे हैं। बस इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम वाली बात आई है कि ओवैसी जैसे कुछ लीडर्स जो हैं, जिस तरीके की उनकी छचोरी हरकतें हैं, नेता हैं, जो काम उन्हें करना होता उसे करे बिगर वो नहीं मानते, लेकिन ये जनता है, सब जानती है। और सबसे ज़्यादा मैं बधाई के पात्र वो मुस्लिम भाई हैं हमारे, कि उन्होंने जिनका बड़ा दिल है, जिन्होंने इस कोर्ट के डिसीजन को अच्छे से माना है, उन सबको बधाई देते हुए, और जो ओवैसी जैसे लोगों का जवाब खुद दे रहे हैं कि हमें उस पर ज़्यादा बयान नहीं देना है, क्योंकि उनकी भाषा को वो ही समझते हैं और वो सब उनकी, उनको ऐसे लोगों की पहचान हुई है, और कुछ लोगों की मानसिकता जो उभर के, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ मित्र आज कांग्रेस की जो 70 साल की राजनीति में बार बार चिल्लाते हैं कि कभी कहते हैं हमने मूर्ति की स्थापना कभी कभी कही है, हमारी हिंदू धर्म में आस्था, कभी कहते हैं कि हम सब धर्मों की बात करते हैं और जाके मुस्लिम अपना टोपी लगा के, ना वो मुस्लिम के बने ना हिंदू के बने, उसकी वजह से जो एक स्थिति आज देश की यहाँ पहुंची थी 60 साल में, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, और वो सब लोग बधाई के पात्र हैं जो किसी ना किसी रूप में 100 करोड़ लोगों की आस्था से जुड़े हुए तो इस मंदिर के लिए कहीं ना कहीं जो है प्रयासरत थे। जिस तरह से इस फैसले को स्वीकार किया है, और अगर मुस्लिम भाइयों की तरफ से यहाँ पर देखिए जिस तरह से इसको संतुष्टि से अपनाया गया है यहाँ पर, और साफ कहा गया है कि जो भी फैसला होगा उसको सुप्रीम कोर्ट का, उसको स्वीकार किया जाएगा, और ये देखा भी गया है, सद्भावना देखी गई है, एकता देखा गया है, प्यार आज देखा गया है हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे को लेकर। लेकिन सुनील जी, यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है, ओवैसी का जिक्र यहाँ पर देवेंद्र जी ने भी किया, लेकिन उन लोगों का क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार मेच्योरिटी लोगों में आ गई है इस फैसले को लेकर। जहां एक वक्त था 2010 की हम बात करें तो तीनों पक्ष यहां पर तर्क वहां पर भी दिए गए, तीनों पक्ष एकदम इस फैसले को लेकर नामंजूर कर रहे थे, लेकिन ये आज का वो वक्त है जब हर पक्ष इसको स्वीकार कर रहा है। लेकिन उन लोगों का क्या जो कहीं ना कहीं इस प्यार में भी कहीं ना कहीं खलल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ओवैसी जो कह रहे हैं खैरात में हमें ऐसे जमीन नहीं चाहिए, और जो फैसला है हम इसे स्वीकार नहीं करते, लोगों को बरगलाने की कोशिश साफ तौर पर ये। रितु, जब 2010 में जब हाईकोर्ट का फैसला आया था तब सोशल मीडिया इतना सक्रिय नहीं था, कुछ फोनों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, या कुछ चैनल ही थे उनके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता था, तो इसलिए जल्दबाजी में वहाँ प्रतिक्रियाएँ नहीं थी, लेकिन फिर भी व्यवस्था बहुत अच्छी केंद्र सरकार की तरफ से और प्रदेश सरकार की तरफ से की गई थी।
लेकिन दुर्भाग्य है कि गृह मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की, प्रदेश की सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की और सख्त निर्देश दिए कि कुछ ऐसे बयान आते हैं या सोशल मीडिया पे या चैनलों के माध्यम से ऐसी बातें निकल के आती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेंगे या कुछ ऐसा गड़बड़ करने का प्रयास करेंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बस देखने को ये हो रहा है कि ओबीसी के बयान आने के बावजूद भी जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी की और जो 5 एकड़ जमीन का कहा वो भी उसने कहा कि हमको वो ठुकरा देनी चाहिए, चाहे हमको भीख मांग करके जमीन खरीदनी पड़े, हम उस पर मस्जिद बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। दूसरी एक और उसने बात की कि जो आज सरकार में है, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ट्रस्ट सरकार बनाए, वो सरकार आज वो है जब 1992 में उन्हीं लोगों ने मस्जिद को तोड़ा था, आज वो सरकार सत्ता में है, तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं उन्हीं से जो इसके अपराधी हैं। ये बहुत बड़ी बात ओबीसी ने कही है और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस पर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो कुछ ओबीसी जैसे लोगों के मुंह और खुलेंगे, फिर बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल कह सकते हैं जब भी निकलता है कुछ गलत ही ओबीसी के मुंह से यहाँ पर निकलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर गौर इस बात पर भी फरमाएं, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यहाँ पर बैठक की, उन्होंने भी सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को स्वीकार किया है, संतुष्टि यहाँ पर उन्होंने की है। लेकिन अगर हम मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी की बातों पर गौर करें, उन्होंने पहले भी कहा था और आज उस बात से सहमत भी हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है यहाँ पर कि जो भी फैसला है उसको स्वीकार करते हैं और संदेश यहाँ पर भाईचारे का देते हैं। उनका कहना है कि हम तो हिंदू मुस्लिम के साथ में बैठकर खाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, तो आखिरकार हम क्यों इसमें मतभेद करेंगे। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहाँ पर असहमति जताता है। एक तरफ इकबाल अंसारी यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि हम स्वीकार करते हैं। नहीं देखो, जिलानी साहब ने जो बयान दिया है वो एज ए एडवोकेट के रूप में दिया है कि जो इतने साल से मुकदमे को लड़ते हुए आए हैं और वो एक संवैधानिक अधिकार है उनको, कि कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि जो उनको अपेक्षाएं थीं कि कहीं ना कहीं हमें भी न्याय मिलेगा और हो सकता है कि उस जगह जमीन जिस तरीके से हाई कोर्ट ने निर्णय लिया था कि आस पास ही जमीन हमको मिलेगी, लेकिन बिल्कुल ख़त्म ही उनको कर दिया कि नहीं 5 एकड़ जमीन, वो भी निर्णय सरकार पे छोड़ दिया कि सरकार जहां 5 एकड़ जमीन दे वहां उनको लेनी पड़ेगी। या तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये तो अयोध्या के भीतर ही का है ना, निर्णय नहीं है, मतलब देनी ही पड़ेगी सरकार। नहीं, वो दिक्कत का अयोध्या का मतलब आप समझिए कि पहले अयोध्या का मतलब था कि मंदिर के इर्द गिर्द जिस जहां मंदिर स्थापित है, लेकिन आज के देश में संवैधानिक रूप से देखा जाए तो अयोध्या जिले का नाम है, पहले वो फैजाबाद होता था, आज वो अयोध्या है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यदि इसमें थोड़ी बहुत राजनीति होती है तो ये सरकार मान के चलेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश अयोध्या शब्द का यूज किया है वो अयोध्या कहीं जिला न मान बैठे और जिले के किसी भी स्थान पर वो जमीन दे। ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा होता कि वो 67 एकड़ जमीन अधिकृत की है या ऐसा कहा होता कि मंदिर के इतने किलोमीटर की एरिया में उनको दी जाए तो कहीं तक बात चलती, लेकिन अयोध्या में दी जाएगी। अयोध्या का देने का मतलब कुछ दिन बाद क्लियर हो पाएगा कि सरकार वो कहाँ चाहती है, सरकार उस शब्द का यूज कैसे करेगी, ये सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन जो ट्रस्ट की बात आई है कि जो मंदिर में बनाने के लिए जो ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस ट्रस्ट में कौन लोग होंगे, क्या जो पहले उन्होंने बनाया था राम जन्मभूमि न्यास, क्या उसी को समर्पित करेंगे, उसी को ट्रस्ट माना जाएगा, क्योंकि इस मंदिर की लड़ाई लड़ने के लिए एक ट्रस्ट तैयार किया गया था जिन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, क्या कोई अन्य लोग होंगे जो ट्रस्ट में होंगे, तो ये सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। और दूसरी बात देखिए, 1992 में जब रथ यात्रा अडवाणी जी ने निकाली थी तो उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी बहुत साथ चले थे सारथी के रूप में, आज वो पीएम है, उनकी भी अपेक्षा थी कि मंदिर ठीक से बने। और 2014 के इलेक्शन में कहा जाए तो तमाम सभाओं में ये कहा गया था कि मंदिर हम वहीं बनाएंगे चाहे हमें संसद से कानून बनाना पड़े। तो ये सारी चीजें हैं, यदि वो निर्णय उनके पक्ष में आया है तो यानी कि कोशिशें तो उन्हीं की तरफ से जारी रही और कोशिशें आज कहीं ना कहीं कामयाब यहां पर हो पाई हैं। लेकिन संदीप त्रिपाठी जी, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मुस्लिम पक्षकारों को यहां पर 5 एकड़ जमीन की बात यहां पर कही गई है कोर्ट की तरफ से और ये निर्णय सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर छोड़ा गया है कि आपको कहां जमीन देनी है वो आप निर्णय करें, क्या लगता है कि एक वक्त पर हम ये सोच रहे हैं कि अयोध्या का मसला खत्म हो गया है तो राजनीतिकरण जिस तरह से अयोध्या को लेकर पार्टियों में होता था वो खत्म हो गया, लेकिन क्या अब इस पर भी राजनीति होगी कि वो 5 एकड़ जमीन आखिरकार कहां दी जाए। यह
है और राजनीति करने वाले तो लाखों पे भी राजनीति कर लेते हैं और जो है भगवान राम पे इतने दिन से एक पार्टी की राजनीति चलती आ रही है वो हम सब देख रहे हैं। तो राजनीति करने वाले तो राजनीति करेंगे। अभी आपने पहली बात जहां से बात की शुरुआत हुई कि ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं था, एक जमीन का मामला था और जिसमें निर्मोही अखाड़ा राम जन्मभूमि न्यास और लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने तो उसे हिंदू मुस्लिम का अखाड़ा बनाया ना। इसमें संदीप जी ये राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया? मैडम मैं इसी पे आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं यही पार्टियों ने जो किया वो भी मैं बता रहा हूँ। जो है ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था, ये जमीन का एक मामला था और जो कि बहुत आजादी के बहुत पहले से चल रहा था और आजादी के पहले एक धार्मिक मान्यता जो हम लोगों की हिंदुओं की थी कि जो है राम भगवान का वो जन्म स्थान है और उसी के अनुरूप जो है उसपे जो है जो अभी आपने कहा कि उसके पहले क्या हुआ वो मैं बता रहा हूँ। 1949 में वहां पर जो है मूर्तियां रखी गई राम चबूतरे के आगे जहाँ मस्जिद या जिसको आप गुम्बद कहते हैं या जो मंदिर मस्जिद कहते हैं हम लोग उसको आदमी मंदिर कहते थे और तब तक कहते थे जब तक जो है जवाहर राजीव गांधी जी ने उसका ताला खोला। सर ये डिटेल सारी आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दी है ना सर, तो फैसला सुना दिया है। अभी बताइए क्या राजनीतिकरण होगा? बता दिए, सुन लीजिए। अभी हमारे अभी मैं भाजपा के जो हमारे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस ने 70 साल, तो 70 साल में हमने क्या किया और इन्होंने क्या किया, हमारी बात तो पूरी होने दीजिए, मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। चलिए जल्दी कहिएगा क्या किया वो मैं बता रहा हूँ। भाजपा क्या किया, सिर्फ धन जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर वहाँ पर राम जी की मूर्ति रखवाई हमने और जो है मंदिर का ताला खुलवाया और बीजेपी के हमारे मित्र ने राम जी का नाम बेचकर अपनी राजनीति चमकाई और रथ यात्रा निकालकर हिंदुओं के हृदय सम्राट बनकर सिर्फ जो है पोपो गंडा किया और एक झूठ फैलाया, एक दंगा कराया, फसाद कराया, उसी पे अपनी राजनीति चलाई। जो अभी आपने कहा कि राजनीति उस पर होगी तो राम जी पर ये तो अब तक राजनीति करते चले आए। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय दिया और हम लोगों की वो विजय है, इसलिए कि हमने तब भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा। ये तो फिर वही आकर ठहर गया ना कि अगर ताले राजीव गांधी ने खुलवाए थे तो पूजा क्यों नहीं करवाई, क्यों नहीं पूजा, क्यों नहीं हुई पूजा? बिल्कुल वहां पे आज से पूजा बंद है, पूजा तब से होती आ रही है। पूजा पहले भी होती थी, पहले बाहर से होती थी। हमने वहां ताला खुलवाया, वहां अंदर से पूजा शुरू हुई। संदीप जी की याद के लिए क्लियर करा देना चाहता हूँ कि ये बार बार जो चिल्लाते हैं कि मैं ये एक प्लेटफॉर्म ये तय कर लें, अगर इन्होंने ताला खुलवाया, इन्होंने मेहनत की तो इन्हें शर्म लगती थी क्या? 70 साल ये देश में राज कर रहे कि मंदिर नहीं बना वहां? अरे संसद में कानून लाते ना आप, आज हम पे सवाल उठाते हैं, आज हमारे कामों पे सवाल उठाते हैं। किसने? अरे आप लोग, आप पूर्ण बहुमत की सरकारें चलाते आ रहे हैं, आज तक आपने कुछ मंदिर के लिए किया? अगर ताला खुलवाए तो मुसलमानों की टोपी रख रख के आप मस्जिदों में क्यों नमाज पढ़ते रहे? आपने क्यों ना मंदिर की बात अपनाई? क्यों ना आपने 100 करोड़ लोगों की बात उठाई? क्यों ना आपने 100 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर काम किया? क्यों जालीदार टोपी लगा लगा के आपने अपने धर्म को बेचने का काम किया? आप क्यों जाके वहाँ गोत्र बताने का काम करते हैं? आप मंदिर में खड़े होकर और वहाँ गोत्र नहीं बता पाते हैं और मस्जिद में जाकर आप वहाँ चादर चढ़ाते हैं जाके कब्रों पर? वो कौन थे? वो कौन कौन लगते थे आपकी कांग्रेस के जिनकी कब्रों पर आज चादर चढ़ा रहे? कहने में क्या बुराई है आपको? क्या गुरेज है? क्या गुरेज है? अरे जिन कब्रों पर आप जाते हैं जाकर चादर चढ़ाते हैं तो ओपन कराओ ना। ये जनता समझदार होगी दोस्तों, ये तुम्हें पहचान चुकी है अपनी स्पष्ट कर दीजिए अपनी नीति को। कोई गुरेज नहीं, आप मुस्लिम की बात करो, आप सिख की बात करो, आप हिंदू की बात करो, लेकिन अपना स्टैंड तय करो। आप रखिए अपनी बात, क्लियर करिए। हमारा कवर पे जाते हैं, हमें कोई गुरेज नहीं, हम मंदिर में जाते हैं, हमें कोई गुरेज नहीं। आप स्पष्ट करिए हमारी तरफ। मेरे के साथ थे आज भी, कल भी थे। संदीप जी को बोलने दीजिए जी। संदीप जी, स्टैंड क्यों नहीं क्लियर होता है? हमारा स्टैंड तब भी क्लियर था, आज भी क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा हम उस निर्णय को अगर हम सत्ता में रहते हैं तो पूर्णता उसको लागू करवाएंगे और हमने हाई कोर्ट के और लोअर कोर्ट के डिसीजनों को लागू करवाया है। और अगर जो भी निर्णय आएगा हम उस निर्णय के साथ खड़े रहेंगे। हम राम मंदिर, अगर हिंदू होने के नाते कोई भी हिंदू किसी भी पार्टी का हो, सब चाहते थे कि राम मंदिर बने। और जैसा कि हमने अभी आपने कहा कि हमारा अगर स्टैंड नहीं होता तो हम उस पर व्याधाएं उत्पन्न करते हैं। निर्णय के 40 मिनट के अंदर हमने मंदिर का ताला खुलवाया है। आप 40 मिनट आप 5 घंटे राम मंदिर किससे पूछ के पैरवी करा रहे हैं? वो आपके नहीं है क्या? छोटा नाम है कौन सी पैरवी? अरे अरुण जेटली,
अच्छा बहुत बढ़िया, मैं बता रहा हूँ, अरुण जेटली भोपाल त्रासदी गैस कांड के जेल से एंडरसन जो था, जो कि उस कांड में दोषी था, उसका मुकदमा लड़े। दोष की बात उठाए तो दोष की बात उठाओ तो आप जमानत में हैं, आप लोग आज भी बता रहे हैं ना, आप लोग आज भी जमानत में हैं। अरे सुन लीजिए, गिरमाना आप झाके देखिए कि शक्ति घड़ी है कि आपके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और राष्ट्रीय लीडर जितने भी हैं 90% किसी को जमानत राजनीति कर रहे हैं। जनता देख रही है कितने बड़े बेईमान हैं आप। संदीप जी और देवेंद्र जी, घोटाला हुआ जांच करा लीजिए। संदीप जी और देवेंद्र जी, राफेल डील हुआ जांच करा लीजिए। तो हमें इस तरह से यहाँ चीखा चिल्लौट नहीं करनी चाहिए। अगर आज इस तरह से हम इस ऐतिहासिक दिन को याद कर रहे हैं, चीखा चिल्लौट नहीं कर रहा हूँ, तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे मित्र को पच नहीं रहे। चीखा चिल्लौट नहीं करना चाहिए, हंगामा नहीं करना चाहिए। स्वीकार किया है उस पर आप अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखिए, ये आरोप ना लगाए। हम यहाँ पर बार बार जिक्र कर रहे हैं कि राजनीतिकरण ना हो, यानी कि अब मसला खत्म हो गया, राजनीतिकरण नहीं हो सकता, तो इस तरीके से शुरू करिएगा। नहीं, अभी हमने राजनीतिकरण भाजपा ने किया, हम मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम लोगों का जो भी स्टैंड तब था, आज हमारा भी वही स्टैंड है। आज हमारे स्टैंड पे बीजेपी आई और ये हमारी नैतिक जीत है। आज जो है रामलला की जीत के साथ साथ ये कांग्रेस जैसी सोच के लोगों की जीत बहुत अच्छी बात है। हमारा जो स्टैंड था, आप लोगों ने एक स्टैंड लिया है, आप उस पर क्लियर हैं, आप लोगों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। जय श्री राम बोलने के लायक तो हुए, बेसंगनी बोल पा रहे, लेकिन आपका मन बोल रहा है बोलने का, अच्छी बात है, स्वागत करते हैं हम आपका। आपका बड़ा दिल नहीं है, बड़ा दिल होता तो बधाई देते आप माननीय प्रधानमंत्री जी को। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री ने निर्णय दिया बधाई दूं, 5 साल खा गए, 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी सर मनाने के लिए चाहिए, राम को बेच के खा गए आप, इतने तक हिंदुओं को गुमराह किया, अभी आप बता रहे हो आपको बधाई मैं दूं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, भाजपा ने दिया है, मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के जज के माथे में बंदूक रख के निर्णय लिखवाए हैं, ये आप कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने दबाव में डाले। संदीप जी समझ जाइए ना, जब इतने सालों से अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने जिक्र किया है राम मंदिर का, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्रेडिट तो खुद भी लेंगे वो लोग। जी रख लेते हैं, आपने ताला खुलवाया किसी को, आपने आपने हिम्मत नहीं जुटाई, आप ये बताइए आपने किया क्या, अरे राम मंदिर के लिए किया क्या आपने, ये बता दीजिए। वो किया जो आज देश के सामने गए थे शंकर प्रसाद, वो किया जो आज निर्णय क्या किया बता दीजिए, काम बताइए, हमने काम बताइए, शंकर प्रसाद मुकदमा लड़ने गए थे, अरुण जेटली मुकदमा लड़ने गए थे, संदीप जी एक मिनट, देवेंद्र जी, ये बिल्कुल सही नहीं है कि आप खुद ही इसको क्रेडिट ले रहे हैं अपने लिए। देखिए ये कितने समय से लड़ाई लड़ी गई है, तमाम पक्षकार इस दिन के राह टटोल रहे थे, पहले आप इसको एन वक्त पर, चलिए ठीक है आपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया, आप लोगों की तरफ से प्रयास किया गया, लेकिन इतना क्रेडिट तो मत लीजिएगा सर। मैं क्लियर करना चाहता हूँ रितु जी, मैंने बैठते ही पहले संबोधन में 135 करोड़ लोगों का जिक्र करा, 100 करोड़ लोगों की आस्था का जिक्र करा, सबको बधाई दी, लेकिन जब मेरे मित्र उंगली उठाने लगे और 1949 की बात करने लगे या वो 50 की बात करें, तो मेरी मजबूरी है उन्हें उनकी औकात बताना। अरे क्यों यही तो संयम बरतना है आज के दिन, हम संयम बरत रहे हैं देवेंद्र जी, यही तो संयम बरतना है कि आप एकता में अधिकता ना करें। वो सरल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सरल ले तो सही, कम से कम वो बिजली के तार की तरह करंट को छेड़ते हैं बार बार और लगा के देखते हैं कि ये मुद्दा हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये मुद्दा हमारे लिए गलत रह जाएगा। जब वो खुद ही उस पर सेटिस्फाई नहीं है और वो डिसीजन को लेके आते हैं बार बार, नए नए वो तरीके अपनाते हैं, कहीं राफेल लेके आए, पूरा चुनाव निकाल दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट जब उनके लिए सम्मानित नहीं था, जब निर्णय नहीं था, उसके बाद भी उनके उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके बार बार एक ही बात चिल्ला रहे चोर चोर चोर, आपने अपनी औकात का पता लगा ना कि चोर कौन है। बात की तो आपको खुशी होगी ना कि चलो चलो कम से कम एक मुद्दा तो खत्म हुआ यहाँ पर, कम से कम जांच करवाई, बिल्कुल उसका भी डिसीजन आएगा, इंतजार करिए, जैसा आप लोगों ने उसमें पटिशन किया हुआ है, देखिए इंतजार कीजिए मित्र, आप संदीप जी इसमें इंतजार कीजिए, जैसे जैसे आप डिसीजन आया, एक बार आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी, बार बार आपने क्षमा मांगी और दोबारा मांगेंगे आप, मैं कहता हूँ सीखना चाहिए आप लोगों को, बार बार गलती करके क्षमा मांगना समझदारी नहीं है, वो आपकी कमजोरी है, उस कमजोरी को मत दिखाओ जनता के लिए। अगर हम पक्षकारों की बात करें, तमाम पक्षकार हैं,
वो आज बेहद ही संयमता से बात कर रहे हैं और जो साफ स्पष्ट यहाँ पर ये फैसला सुनाया गया है उसको स्वीकार किया जा रहा है और अपनी तरफ से ये बार बार कोशिश की जा रही है कि शायद कुछ ऐसे अपशब्दों का या कुछ ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल न किया जाए जिससे अप्रिय घटना घटे यहाँ पर, क्योंकि तमाम तरह की तैयारियां की गई थी अयोध्या को लेकर कि शायद अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो कहीं कोई यहाँ पर उन्माद ना फैले, कोशिशें की गई। लेकिन अगर पार्टियां ही इस तरह से रुख रखेंगी तो जनता में विश्वास कैसे पैदा किया जाएगा? पक्षकारों को यहां पर भड़काने की कोशिश की जा रही है, ओवैसी का जिक्र भी हमने जैसे किया, पक्षकारों को भड़काने की कहीं ना कहीं कोशिशें हो गई। नहीं, बिल्कुल हो रही है और सरकार को इस पर सक्रियता के साथ जल्दी से जल्दी ऋतु कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा, अभी मैं कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को सुन रहा था और दोनों पार्टियां मंदिर को लेकर के किस तरीके से सक्रिय थी या किस तरीके से उन्होंने धैर्य रखा और किस तरीके से ईमानदारी के साथ इस मुद्दे के साथ थी वो सारा देश जानता है, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पिछले दशकों में नहीं जाना चाहते, 1950 में जाएं, 83 में जाएं, 59 में जाएं, मैं तो तत्काल की बात कर रहा हूँ। या 2010 में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और 2011 में सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। जी, रोकना चाहेंगे आपको सुनील जी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, तो यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेगी, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हालांकि कहा गया था। तो जो सुप्रीम फैसला आज अयोध्या विवाद को लेकर सामने आया है उस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेगा और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सुन्नी वक्फ बोर्ड ने स्वागत किया है। तो आपको बता दें कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर करनी थी और उसी के बाद ये बड़ा बयान यहाँ पर सुन्नी वक्फ बोर्ड का सामने आया है, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड का, जहां पर फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की जाएगी और कोर्ट का जो भी फैसला आया है, हालांकि जैसे पहले ही कहा था कि जो भी फैसला आएगा उसको स्वीकार किया जाएगा, तो फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बयान यहां पर सुन्नी वक्फ बोर्ड का सामने आया है, जहां पर इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया गया और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि जो भी फैसला सुनाया गया है वो मान्य है। लेकिन अगर इस तरह से बातें चल रही हैं कि क्या इस फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी, तो क्लियर कर दिया है सुन्नी वक्फ बोर्ड के जरिए कि पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेगा सुन्नी वक्फ बोर्ड। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या विवाद को लेकर जिस तरह से आज फैसला सामने आया है उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हालांकि ये कहा है कि वो फैसले से सहमत नहीं है, स्वीकार करता है लेकिन संतुष्ट उससे नहीं है और कई चीजें इसमें विरोधाभासी नजर आती हैं, जिसके बाद इस फैसले को पढ़ने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। सुनील जी, हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि मुस्लिम पक्षकार जो है, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है, सामने भी आ गया है बयान कि हम फैसले को स्वीकार करते हैं और आगे कोई भी विकल्प नहीं तलाशे जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बयानों को दे रहे हैं और कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश। रितु, आपसे पहले या कुलदीप जी बैठे थे और मैंने ये कहा था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास रास्ता पुनर्विचार याचिका का है ही नहीं, ये मैंने कहा था। मैंने इसलिए कहा था कि पुनर्विचार याचिका उसी टीम के साथ जाती है जिस टीम ने सुनवाई की हो, लेकिन जब 17 तारीख को सीजीआई रिटायर हो रहे हैं तो केवल वो चार लोग ही बचेंगे, पाँचवें जज नहीं उसमें रहेंगे, तो पुनर्विचार याचिका कौन सुनेगा उसको। फिर दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था क्यूरेटिव याचिका के लिए कहा था, उसमें भी इनके पास रास्ता नहीं था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज होते हैं तीन और दो जज उनमें से रखे जाते हैं जो जिस बेंच ने वो सुनी हो, तो उसमें भी वो लोग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि सीजीआई के रिटायरमेंट के बाद बोबड़े साहब सीजीआई हो जाएंगे, तो तीन वो लोग हो गए, तो बोबड़े के आने ऊपर होने के बाद सीजीआई के बाद छह जजों की बेंच होगी, तो जब तक ये खारिज यहां से नहीं हो पाएगा तो क्यूरेटिव में जा नहीं पाएंगे और ये पुनर्विचार याचिका में इसलिए नहीं जा पाएंगे कि सीजीआई रिटायर हो रहे हैं 17 तारीख को, तो वो रास्ता इनके पास नहीं था। वो मैंने अब थोड़ी देर पहले कहा था, वही चीजें अब निकल के आई हैं और बिल्कुल अच्छा बयान उन्होंने दिया है कि ईमानदारी से उन्होंने शहर से उसको स्वीकार किया है, यही इनके पास रास्ता था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। केवल फंसेगा मामला तो वो 5 एकड़ जमीन को लेकर के फंसेगा कि वो सरकार कहाँ उनको देती है और उनको कहाँ चाहिए। और इस जो सुप्रीम कोर्ट ने इतना स्पष्ट फैसला किया है कि जो 2010 के हाई कोर्ट के फैसले की बात की जाए तो उसमें तमाम ऐसी बातें थी जो स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इन्होंने एक एक लाइन क्लियर की है जिससे कहीं ऐसा नहीं हो कि पुनर्विचार याचिका में भी उनको रास्ता मिल जाए सामने वालों को कि हम ये पॉइंट छूट गए हैं, तो उसमें कोई पॉइंट छूटा ही नहीं है। तो मुझे नहीं दिखता कि ऐसा कोई रास्ता उनके पास बचा है।
बिल्कुल, रास्ता भी कोई बचा नहीं है और उस पर विचार भी नहीं किया जा रहा है। हालांकि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के जरिए यहाँ पर क्लियर भी कर दिया गया है कि जो फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं, और अगर इस तरह से बातें चल रही हैं कि शायद पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सकती है, अभी सुनील जी भी बता रहे हैं कि कोई ऐसा विकल्प है ही नहीं, लेकिन उससे इनकार भी यहाँ पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कर दिया है। तो आपके पास आना चाहेंगे देवेंद्र जी, यहाँ पर अब क्या आगे की रणनीति यहाँ पर कहना गलत होगा, अब आगे क्या तैयारियां यहाँ पर अयोध्या को लेकर चल रही हैं, क्योंकि 3 महीने का वक्त आपको दिया गया है, उसी दौरान आपको जो योजनाएं हैं, जो कार्य हैं वहां पर करने हैं, 5 एकड़ की जमीन भी आपको यहाँ पर देनी है सुन्नी वक्फ बोर्ड को, तो ऐसे में आगे क्या, किस तरीके से चीजें जो है वो प्लांट होंगी? रितु जी, मैं इसमें बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, जो 5 एकड़ जमीन की बात कर रहे हैं उससे लेकर एक जो ट्रस्ट बनना, कमेटी बननी है उससे लेकर, सरकार उसी के अधीन काम करेगी जो भी डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, और वही पहलू जो सारे अपनाए जाएंगे जो लोकतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो इससे बाहर कोई बात ना करने की बात है, ना कोई रखने की है, ना इससे बात कुछ सोचने की है। बिल्कुल, आप किस तरह से वाकिफ रखते हैं संदीप जी इसको लेकर? जी, जैसा भी आपने कहा कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ है ही हैं, और जो है सरकार को चाहिए कि जो है जो भी कमेटी बनाए वो सब लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, जो उन आंदोलनों में और जो है जो राम मंदिर के जो पक्षकार निर्मोही अखाड़ा जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः जो है डिनाय कर दिया है, मेरा ये मानना है कि उनको भी जो है उस कमेटी में और उस प्रतिनिधित्व में रहना चाहिए। और दूसरी बात जो है, अभी आपने कहा कि लैंड ऑर्डर की बात, अब तो राम जी आ गए, अब जो है राम राज्य की भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, भाजपा को चाहिए कि जो राम राज्य होना चाहिए उस पर भी थोड़ा ध्यान दे, जो आज जो है लूट हत्या बलात्कार जंगल राज कायम हो गया है, जंगल राज से राम राज पे जो है शासन को लाए, वो जो उसके लिए हम इनके साथ हैं, जो भी सहयोग चाहिए हम जो है सहयोग करने के लिए तैयार है, और इनको चाहिए कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं और उस पे जो है इन सब मुद्दों पे एक गंभीर चर्चा हो, ताकि जो है सब अपना पक्ष रख सके और हम जो है इनके साथ राम राज लाने या जो जो भी आज जो काम जंगल राज की व्यवस्था कायम हो गई है उसके खिलाफ अगर ये कोई भी निर्णय लाते हैं तो इनके साथ है, और जो भी डिसीजन दिया है उसको लागू करते हैं, हम इसके साथ है। आप फिर उसी प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, बार बार देवेंद्र जी कहते हैं कि मुझे बोलने दीजिए। मैं यही कहना चाहूंगा संदीप जी को, बहुत अच्छी बात है कि आपने स्वागत किया और जो सर्वदलीय बैठक की बात की है, तो देखिए अब से पहले भी हमने जब 370 की बात आई थी तब भी आप लोगों को निमंत्रण दिया था, और कोई देश में बड़े डिसीजन की बात आई थी तब भी आप लोगों को दिया, लेकिन हमेशा आप बहिष्कार करते हैं, और बार बार बहिष्कार वाले लोगों को बार बार निमंत्रण नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी आपने टीवी पर बैठ के बात कही है, रखी है, अगर कहीं जरूरत पड़ी तो निश्चित हमारी सरकार ये काम करेगी कि आपको निमंत्रण दिया जाएगा, लेकिन कहीं आप 370 जैसी घटना ना करें कि पाकिस्तान के फेवर में ही खड़े होकर आप बयान देना शुरू करें। वो 370 भी आपने थोड़ा सा जिक्र इसलिए करा कि 70 साल लगा दिए, जिसमें हमने 7 साल नहीं लगने दिए, 7 साल पूरा होने से पहले पहले निपटा दिया, और आप आर्थिक और इनकी जो बात कर रहे हैं ना, ये मंदियां आज से 20-30 साल पहले, आप जो है 15-15 साल पहले इससे निम्न स्तर पर आ चुके हैं इस देश को लेकर, आज भी हम स्ट्रांग स्थिति में है, और आपने दम होना चाहिए और उसी तरीके से हम आपको जवाब देंगे। 370 राज भी देश में है, पहली बात जान लीजिए, अगर मोदी जी ने आपको नहीं बताया है तो आज आपको मैं बता देता हूँ, तो जवाब 370 राज भी है। देवेंद्र जी, संदीप जी, देवेंद्र जी, संदीप जी, अगर एक एक करके आप अपनी बातों को रखेंगे ना तो सुनने में सही रहेगा और पता चलेगा कि आप लोगों का आखिरकार स्टैंड क्या है। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ और जुड़ गए हैं, हमारे साथ है फजील अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और उसके साथ ही आचार्य विष्णु विनोदम जी, हिंदू धर्म गुरु हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर सुनील जी आपके पास ही आना चाहेंगे, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले हमने यहाँ पर ट्रस्ट का जिक्र किया था कि अब जो ट्रस्ट यहाँ पर केंद्र सरकार बनाएगी 3 महीने के भीतर, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर निर्णय लेना है, कार्य योजना बनानी है, आखिर उस ट्रस्ट में रहेगा कौन, क्योंकि बात काफी चल रही है कि शायद निर्मोही अखाड़ा को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, हालांकि आज हमने देखा कि उस दावे को ही निर्मोही अखाड़ा के खारिज कर दिया है, लेकिन अब सवाल यही है कि आखिरकार इस ट्रस्ट में शामिल किन किन को किया जाएगा।
नहीं रितु, अभी केवल मोटी मोटी बात निकल के ये आई है कि ट्रस्ट केंद्र सरकार को बनाना है, लेकिन जब पूरा फैसला आएगा तो उसमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा कि वास्तव में ट्रस्ट के लिए भी कोई सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तैयार की है कि इस गाइडलाइन के तहत आपको ट्रस्ट बनाना है, या पूरा अधिकार केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ा है कि जिस तरीके से जिनको रखना है जैसे रखना है फैसला केंद्र सरकार का होगा। ये भी बिल्कुल स्पष्ट कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कल या रात तक सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन 3 महीने का समय बहुत काफ़ी है। 3 महीने में केंद्र सरकार को निर्णय लेना है तो सारे कानूनी पेच उसमें देखने पड़ेंगे केंद्र सरकार को, और कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी जल्दबाजी में केंद्र सरकार निर्णय लेगी, मुझे नहीं लगता। क्योंकि केंद्र सरकार इसलिए जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेगी क्योंकि इस पूरे का फायदा 2022 के इलेक्शन में विधानसभा में उत्तर प्रदेश में आएगा। थोड़ा सा अभी टालने का धीरे धीरे प्रयास करेगी और 2022 के आसपास का जब माहौल बनेगा तब निर्णय ठीक से लिए जाएंगे। हो सकता है 2022 से पहले ही कुछ समय पहले मंदिर निर्माण की घोषणा हो। बिल्कुल विष्णु विरोधम जी, आपके पास यहाँ पर आना चाहेंगे क्योंकि ट्रस्ट को लेकर जिस तरह से बात चल रही है, हालांकि सुनील जी ने कहा कि कुछ क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि शायद जो फैसला वहां पर दिया गया है ट्रस्ट को लेकर भी कुछ गाइडलाइन यहाँ पर दी हो कि किसको शामिल आप कर सकते हैं किसको या फिर नहीं, तो क्या हो सकता है कि अगर इस ट्रस्ट को देखें क्योंकि ये मामला इतना लंबा खींचा और राम जन्मभूमि से यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में इस ट्रस्ट में किस किस को शामिल किया जा सकता है, संभावनाएं क्या है और कोशिश यहाँ पर क्या रहेगी? केंद्र का अपना मामला है कि वो किस किस को इसमें शामिल करती है, लेकिन अगर ऐसे मामलों को देखा जाए तो क्या प्रायोरिटी क्या रहती है? देखिए प्रायोरिटी यही रहती है कि जो भी लोगों ने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है वही ट्रस्ट में रखने लायक हैं। अब वो इनके ऊपर है कि उनको लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन जो जो उस मुहिम में रहे, चाहे वो जो अखाड़े रहे या जो भी संत महात्मा रहे, उन सभी को इस ट्रस्ट में लेना चाहिए जिन्होंने राम के लिए अपना बलिदान दिया, अपना खून पसीना लगाया, तो उनको ट्रस्ट में रखना चाहिए। अब देखते हैं कि केंद्र उसमें कितनी भूमिका निभाती है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने घर भरने वाली कहानी करे, वो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस पर। जी फजील अहमद जी जुड़े हुए हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर है। फजील जी सबसे पहले रिएक्शन तो मैं आपका चाहूंगी कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से की भाषा का इस्तेमाल किया है और जिस तरह से कोर्ट के फैसले को लेकर अपने बयान दिए हैं उस पर आप अपना रिएक्शन दे दें। देखिए इस तरह जो रिएक्शन भाजपा के होते हैं वैसी ओवैसी साहब के होते हैं, उस पर तो मैं भाजपा के रिएक्शन पर बोलूंगा, उनके रिएक्शन बोलूंगा। अरे सर सभी पार्टियों ने तो उसको स्वीकार किया है, लेकिन अगर ओवैसी साहब की भाषा पर आप घाये हो। नहीं, जिसको आपत्ति है वो निश्चित रूप से अपने मन की बात करेगा, जिसको आपत्ति है वो तो कहेगा ही, आपत्ति हमें भी है। आस्था के आधार पर फैसला दिया गया है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम इस बात को समाप्त करना चाहते हैं। राष्ट्र निर्माण में अब धर्म के नाम पे राजनीति बंद हो, हम तो यही चाहते हैं, इसलिए राष्ट्र निर्माण में अब धर्म की राजनीति नहीं होगी, इसलिए मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। जो भी फैसला है उसको मैं मानता हूँ और अपील करता हूँ कि हमारे अब जिलाधिकारी साहब इसे अपील में ना जाए और इसे खत्म करें। बात जहाँ हो गया सो हो गया, अब राष्ट्र निर्माण की बात देश में शुरू होनी चाहिए। यानी कि जो असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है उससे आप बिल्कुल तारुफ नहीं रखते हैं? कुछ हद तक हम तारुफ रखते हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो कहीं अलग बयान नहीं है। मेरे बयान में मैं भी यही कह रहा हूँ कि आस्था के आधार पर फैसला हुआ है, फिर भी जो है वो ठीक है। लेकिन सर ऐसे वक्त में ये गलत है ना, इस तरह का अगर बयान दिए जाते हैं कि खैरात में हमने नहीं मांगा है और कहीं ना कहीं उनको लगा कि कहीं हमारा हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ तो कहेंगे, वो चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। चलिए ओवैसी साहब के बयान को तो हर जगह यहाँ पर देखा जाए तो निंदनीय ही कहा जा रहा है, क्योंकि इस तरह से जब सभी से यहाँ पर अपील की जा रही है कि एकता की परिभाषा को परिभाषित आप करें, संदेश दे। अरे सर सब जब यहाँ पर यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामान्य होगा, जो कहा जाएगा हम स्वीकार करेंगे, मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, तो आखिरकार ऐसे में बयान आपको लगता नहीं भड़काने की? उनको उनको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति करनी है उसी तरह ओवैसी साहब को भी अपनी राजनीति करनी है।
उनका कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अभी क्या अभी अभी भाजपा का प्रवक्ता ने कहा कि 2022 जब चुनाव नजदीक आएगा तब मंदिर बनाना शुरू होगा, तो चुनाव चुनाव कहां से आ गया? राष्ट्र निर्माण और राम भक्ति। सर वो भाजपा के नेता नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार है। सर भाजपा के नेता नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार है। वो संभावनाएं बता रहे हैं कि शायद उस बीच में हो सकता है। तो कहा तो फिर राम की बात क्यों करते हैं लोग, चुनाव की बात करें ना। अरे निर्माण तो कम से 3 महीने ट्रस्ट बनाया, 14 महीने से निर्माण शुरू हो जाए, तो चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर बने, हमें खुशी होगी, हम भी जाएंगे दर्शन करने, देखेंगे कैसा राम मंदिर बना, भी जाएंगे घूमने वहां पे। पर सर ये तो आज का मसला तो है नहीं कि चुनावों के वक्त में ये इस तरह का राम मुद्दा उठाया जा रहा हो, ये तो कई वर्षों से चला रहा है। तीन महीने में जिस तरह से सामी पात्रा जिस तरह का फैसला सुना रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग जिस तरह का फैसला सुना रहे थे, वही फैसला आया है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जब ये कह रहे तो आपको बुरा नहीं लग रहा, वैसी सब को अपनी राजनीति करनी है तो वो भी तो अपनी राजनीति के लाभ और हानि को देखे बोले इस मुद्दा करने की क्या बात। आचार्य जी, ऋतु जी, ये जो विवादित बयान ओबीसी दे रहे हैं, इनका एक नेचर भी है विवादित बयान देने का। मुसलमान का ईमान ही सबसे बड़ा धर्म है, और जिसका ईमान ही नहीं है वो मुसलमान नहीं है, जो मेरा मानना है और ये सब लोग जानते भी हैं। अब जिस तरीके के जो बयानबाजी कर रहे हैं, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो संतुष्ट नहीं है। वो क्यों संतुष्ट नहीं है? जाहिर सी बात है उनकी राजनीति फीकी पड़ जाएगी अगर वो संतुष्टि जाहिर कर देंगे। शायद सर तर्क ही अलग हो, जिस तरह से हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी देख रहे हैं, उन्होंने अलग तर्क दिए हैं, कहा है कि कई विरोधाभासी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताई गई हैं, तर्क अलग दिए होंगे, शायद इस वजह से उन्हें यहाँ पर लग रहा हो। नहीं, वो देखिए, फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, उनको सम्मान देना चाहिए, वो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे देश का, और उसको सम्मान ना दे करके उसके विरुद्ध, यानी ये सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध बात हो गई जी। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये उसके विरुद्ध जाकर के बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। और अगर इनको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है, तो पहले तो ये जता रहे थे कि जो भी फैसला आएगा हम लोगों को मान्य रहेगा, हम लोगों ने भी इस बात को कहा, लेकिन अब जब फैसला आ गया है, हो सकता है हमारे पक्ष में नहीं आता, मस्जिद के पक्ष में आ जाता, मस्जिद पे के पक्ष में आ जाता, तो ये एक सिर्फ अपने विवादित बयान देकर के अपनी राजनीति चमकाने वाली बात है। असल मुसलमान अगर कोई होगा तो मेरे हिसाब से इस तरीके के विवादित बयान नहीं देगा। ये कहीं ना कहीं इनकी जो विवादित बयान है इससे ये दर्शाया साफ स्पष्ट होता है कि इनकी जो नीति है वो सिर्फ विवाद क्रिएट करने की है, और ऐसा विवाद ऐसे समय पे, क्योंकि गंभीर मुद्दा है ये, ऐसे विवाद को नहीं क्रिएट करना चाहिए। हालांकि सभी को कहा गया था कि आप संयमता से कोई भी अगर बयान देते हैं तो संयम से दीजिए, लेकिन उनका अपना एक तर्क है और इस तर्क के अनुसार ही उन्होंने बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया और इतना बढ़िया फैसला दिया, ना हिंदू बन तारीफ की जा रही है हर जगह, जिस तरह से तार्किक सोच समझ के साथ हर एक किसी की तारीफ भी नहीं की गई है, हर एक किसी का पक्ष भी नहीं लिया गया। अगर आपने गौर फरमाया हो, जब ये फैसला सुनाया जा रहा था, सुनील जी, जब फैसला सुनाया जा रहा था, जिस तरह से एक एक सेंटेंसेस सामने आ रहे थे, उससे काफी देर तक ये समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार फैसला किस पक्ष में जा रहा है। यानी कि ये साफ बतलाया जा रहा था उसमें कि हर एक किसी को कोट किया जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, हिंदू पक्ष हो, निर्मोही अखाड़ा हो, हर किसी की नेगेटिव बातों को ही नहीं किया गया, पॉजिटिव बातों को भी किया गया, और अंत तक ये साफ ही नहीं हो पाया कि आखिरकार ये राम जन्मभूमि न्यास के लिए यहाँ पर फैसला आ रहा है। नहीं, देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट की हैं। देखो, निर्मोही अखाड़ा की जो थी उनका दावा खारिज किया, उनको सेवादार नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। सिया की बात हुई, सिया वक्फ बोर्ड की, उनका भी दावा खारिज कर दिया। दूसरा, जो 1992 में जो कुछ हुआ उस पर भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है। और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान सारे धर्मों का सम्मान करता है। दूसरा, यदि पीठ की बात करेंगे तो पीठ सारे धर्मों के उसमें लोग थे, ये सारे लोगों को मानना चाहिए, केवल वहां सारे हिंदू नहीं थे। और केवल सर्वसम्मति से जब ये फैसला आया है, जी नहीं आया कि 1-4 से आया है, 2-3 से बहुमत से आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यदि सारे जजों ने एक साथ फैसला लिया है और जो तय किया है वो सारे देश को मानना चाहिए। और जो फजील अहमद कह रहे हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने ये कहा, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, उन्होंने कहा कि मुझे भी आपत्ति है,
लेकिन देश की तरक्की के लिए, देश को आगे ले जाना है, इसलिए हम इसका सम्मान करते हैं, स्वागत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। तो ठीक बात है, काबिले तारीफ है अगर ऐसा फजीर जी ये बोल रहे हैं, बहुत ही काबिले तारीफ है, सम्मान करते हैं आपका अगर आप इस तरह की सोच को रखते हैं और आप इस तरह के बयानों को कर रहे हैं। बस अगर दुख तो होता ही है, इतने सालों से जो मुकदमा लड़ रहे हैं, इतने लोगों की जान उसमें चली गई और पता नहीं कितने परिवारों के जो मुखिया थे वो इसमें आहुति उन्होंने अपनी जान की दे दी, वो पीछे का विषय है। लेकिन आज यदि ऐसा आदेश आया और आदेश के बावजूद भी आज आप देखिए बिल्कुल कहीं देश से कोई ऐसी घटना या दुर्घटना नहीं घटी है। ये बिल्कुल भाईचारे की बात तो है ही है कि सारे लोगों ने सहर्ष उसको स्वीकार किया है। और जो महीने भर से जो कवायद चल रही थी कि सारे धर्मों के लोगों को एक साथ बैठा लेना, जो थाने स्तर तक बातें हो रही थी और ऐसे लोग भी चिन्हित किए गए, आप बताइए उत्तर प्रदेश में 4,500 लोगों की फेसबुक आईडी को चिन्हित सरकार ने कर दिया कि इन्होंने कभी न कभी ऐसे अपनी आईडी का दुरुपयोग किया है जिससे उन्माद फैला है। तो ये बड़े स्तर की बातें थी, उसके बावजूद भी ऐसा कहीं नहीं हुआ है तो सारे देश को गर्व करना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि इस फैसले पर केवल देश की नहीं, कुछ ऐसे देशों की भी निगाहें टिकी थी कि हो सकता है कि जिस तरीके से अपने देश में कई ऐसी घटनाएं नहीं बहुत साल से हो रही हैं और इसको आदेश के आने के बावजूद भी कुछ ऐसी हलचल पैदा हो, वो उन देशों को भी तमाचा है इस देश की जनता का कि देखो इतना बड़ा फैसला आने के बावजूद भी हम लोगों ने कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है। और थोड़ा राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है कि ओबीसी को अपनी दुकान चलानी है, बीजेपी के नेताओं को भी अपनी दुकान चलानी है, तो कुछ ऐसे बयान आ सकते हैं और बीजेपी के नेताओं के। लेकिन इस बार तारीफ यहाँ पर कांग्रेस की भी करनी पड़ेगी, जिस तरह से स्टैंड लिया गया है और जिस तरह से स्वीकार यहाँ पर किया गया है। संदीप जी, तहजीब जिस तरह की भारत की है और जो एक संदेश देने की कोशिश हमेशा भारत करता है, क्योंकि जैसे सुनील जी ने भी बताया कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी इस फैसले को लेकर, इतना बड़ा ये विवाद था जो इस तरीके से सुलझा है और इन तार्किक सुलझों के साथ जिस तरह से सुलझा है ये, उसकी हर जगह काबिले तारीफ हो रही है, काबिले तारीफ आप लोगों की भी हो रही है। लेकिन कुछ लोग अब भी हैं जो इस तरह के बयानों से बच नहीं रहे हैं, आपकी क्या टिप्पणी है इस तरह के लोगों पर? हाँ, अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत अच्छी बात कही सुनील जी ने कि दुकान चलानी है तो कुछ ना कुछ इस तरीके से बोलना पड़ेगा। तो ओबीसी और जो है भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक जब एक को टारगेट करता है तो एक कम्युनिटी जो है उसके फेवर में आती है और एक दूसरे को टारगेट करता है तो दूसरी कम्युनिटी फेवर में आती है। ये ध्रुवीकरण के लिए, एक आदमी से ध्रुवीकरण हो भी नहीं सकता है, ध्रुवीकरण के लिए इसलिए बीजेपी को कभी पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है, कभी ओबीसी शाह की जरूरत पड़ रही है। अभी भाजपा के हमारे मित्र डिबेट में कम से कम 6-7 बार शाह जी का जिक्र कर चुके। अरे सर, अब तो चले गए, अब तो रहने दीजिए, खिलाफत करते हैं, संदीप जी अब चले गए, वो सुन नहीं पाएंगे आपकी बात को। मैं जी जी मैं ये कह रहा था कि हम, मैं दोनों की खिलाफत करता हूँ, हम जो है ना उनके साथ है ना इनके साथ है, हम सांप्रदायिक सोच के खिलाफ है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष का व्यक्ति हो और चाहे हिंदू पक्ष के व्यक्ति हो, कट्टरपंथिता के पक्ष में ना हम तब थे ना आज हैं। हमने संविधान को बनाने में अहम भूमिका अदा की है, इसलिए हमें अपने संविधान पर, अपने लोकतांत्रिक बिल्कुल संदीप जी और देश और देश की जनता भी यही उम्मीद करती है कि पार्टियां अगर मुद्दों को लेकर आमने सामने हैं, लेकिन कम से कम देश के जब मुद्दे आए तो उस समय एकजुट होकर इनका सामना करना चाहिए और एकजुट होकर अपनी राय रखनी चाहिए। इसलिए हम आपका जिक्र भी कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इस बार जिस तरह से स्टैंड अपना साफ रखा है अयोध्या विवाद को लेकर, हालांकि पिछले कई बार राजनीति हुई हो चुनावों के समय में, लेकिन इस बार जिस तरह से स्टैंड क्लियर किया है वो उसकी तारीफें की जा रही हैं। लगता है संदीप जी से संपर्क यहां पर नहीं हो पाया है। तो सुनील जी, मजबूरी है कि यहां पर राजनीतिक पार्टियां हैं तो द्वेष की भावना कहीं ना कहीं आएगी ही। संदीप जी भी यही कोशिश यहां पर करते हुए दिख रहे थे कि कैसे ना कैसे करके पार्टियों को ले लिया जाए, लेकिन इस बार स्टैंड अपना क्लियर कर दिया गया है। लेकिन आचार्य जी, आपके पास यहां पर आना चाहेंगे, लगातार हम यहां पर ये कोशिशें कर रहे हैं, आरएनआई टीवी भी यहां पर लोगों से अपील कर रहा है, हर कोई यहां पर अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखें, फैसला आ चुका है और राम मंदिर के निर्माण में अगर मुस्लिम भाई हमारे साथ है तो हम भी मस्जिद निर्माण के लिए साथ में है। लेकिन कोशिश बार बार यहां पर क्यों की जाती है कि यहां पर कि कहीं ना कहीं द्वेष की भावना लाए जाए, फैसला आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर कहीं ना कहीं ये भावना जो है वो खत्म नहीं हो रही शायद। देखिए, कुछ राजनीतिक
गलियारे में इस तरीके की बातें जरूर चलती हैं कि लेकिन जनता बहुत समझदार हो चुकी है। आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए लेकिन जनता ने सभी फैसलों का समर्थन किया। यहाँ ऐसा नहीं है कि पूरा मुस्लिम समाज, ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अब इनके पीछे कोई मुस्लिम है भी नहीं, अगर मुस्लिम होते तो विवाद हो चुका होता। तो कहीं ना कहीं पूरा समाज समझ चुका है, एजुकेटेड हो चुका है और वो जानता है कि विवादों में घिर करके हमारा सिर्फ नुकसान है। ये राजनीति है और राजनीति करने वाले अपनी राजनीतिक रोटियां सेक जाते हैं, बाद में भुगतना उनके बच्चों को और उनको पड़ता है। तो इस वक्त समाज इन सब चीजों को अच्छी तरीके से समझता है, इसीलिए इनकी रोटी ज्यादा चलने वाली। बिल्कुल सुनील जी, यही सवाल मैं बहुत देर से कोशिश भी कर रही थी सवाल पूछने का। 2010 में हमने देखा था कि तीन भागों में बांट दिया गया था विवादित जमीन को और उसके बाद अपील दायर की गई, रोक लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर। उस समय भी तर्कों के साथ ही फैसला दिया गया होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जरिए, लेकिन उस समय इसको किसी ने स्वीकार नहीं किया। क्या यहां पर ये वक्त इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कहीं ना कहीं जो एक लेवल होता है वो क्रॉस कर गया था, इसलिए इस फैसले को जनता ने इस तरह से स्वीकार किया है? मैच्योरिटी लेवल बढ़ गया है या फिर कहीं ना कहीं भावनात्मक इस तरह से जोड़ लिया गया है इस वजह से इसको स्वीकार किया गया और ये लेवल अब जो है जनता का वो एक साथ जुटते हुए दिख रहा है? देखो ऋतु, जब 2010 का फैसला आया था उसके एक हफ्ते तक किसी भी पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। बड़ा सम्मान की बात कहा था कि हम सहज स्वीकार करते हैं। जब एक हफ्ते बाद राजनीतिक स्टार्ट हुई, राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन पक्षों से मिलना शुरू किया, तब ये बातें अपील की, सुप्रीम कोर्ट में लोग अपील करने के लिए गए और वहाँ सारी चीज़ें हुई। इसके पीछे आप देखो, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे, कांग्रेस के भी बैठे हैं। 2011 में अपील हुई, 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई। मुझे 2017 की वो तख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छे से याद है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को फटकारा था कि 10,000 से ऊपर ऐसे पन्ने हैं जिनका ट्रांसलेशन होना है। आप 2011 से लेकर 17 तक 7 साल में बीजेपी और कांग्रेस की दोनों सरकारें केंद्र में रहीं, किसी भी सरकार ने ये नई कदम उठाया कि जो अपील हुई है और उसमें अन्य भाषाओं में जो वहां हमने सबूत पेश किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बार बार नोटिस देने के बावजूद भी ट्रांसलेशन उनका नहीं हुआ। तो वो दिखता है कि कांग्रेस कितनी सक्रिय थी या बीजेपी कितनी सक्रिय थी, कहने को कुछ भी कहते हैं, लेकिन दोनों राजनीतिक पार्टियां फैसला कर रही थी। और उसके ऊपर एक टिप्पणी 2017 में ये आया कि सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को करना है, वहां समाजवादी पार्टी की सरकार है। लेकिन जब मई में 2017 में सरकार आ गई और जाकर के आपने फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2017 में टिप्पणी की, तब उत्तर प्रदेश की सरकार सक्रिय हुई और उसमें लगभग 6 महीने में उनका ट्रांसलेशन हो पाया। तो ये कहने की बातें हैं कि राजनीतिक रेटियां सोखना अलग बात है, लेकिन दोनों पार्टियों में से मैं कहना चाहूंगा कोई भी ईमानदारी से नहीं चाहती थी कि यह मामला सुलझे। बिल्कुल, कोई भी कहीं ना कहीं चाहती तो थी ये कि मुद्दा आगे चलता रहे। चुनाव जिस तरह से आते रहते हैं वक्त वक्त पर, तो रणनीति कहीं ना कहीं उसको लेकर यहाँ पर शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जनता को ध्यान में रखकर ये बातें हम जिस तरह से कर रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं ये एक इफेक्ट यहाँ पर लोगों का देखने को मिला है, जिस तरह से यहाँ पर आचार्य जी ने भी कहा कि समझदार अब कहीं ना कहीं आज देश की जनता हो गई है और इसीलिए तमाम जितने भी मुद्दे आजकल हमें देखने को मिले हैं, जितने भी ऐतिहासिक फैसले सुप्रीम कोर्ट के जरिए लिए गए हैं, एकजुट होकर लोगों ने उस फैसले को यहां पर स्वीकार किया है, चाहे कोई भी पार्टी हो, पार्टियां कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए दूर हो गई हैं और मुद्दे कहीं ना कहीं वो सामने पास आते जा रहे हैं, ये एक मसला भी यहां पर हो सकता है? नहीं, ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को जनता ने माना है। 2018 के 2-3 मामले आप ले लीजिए, SC ST एक्ट के मामले को आप लेकर के देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जनता ने स्वीकार नहीं किया, लोग सड़कों पर थे, तमाम करोड़ों रुपए की संपत्ति को स्वाह कर दिया गया, दर्जनों लोग मारे गए। उसके बाद आपने देखा होगा कि फिल्म को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जी जी, वो भी बड़ा अच्छा आदेश था, लेकिन लोगों ने नहीं माना और सड़कों पे उत्पात मचाया। राम रहीम के मामले को लेकर के देख लो, हाई कोर्ट ने अपील की, मुख्यमंत्री ने अपील की, ये लोग नहीं थे, आई थिंक मैं वही कह रहा हूँ, संगठन थे, नहीं संगठन मैं वही कह रहा हूँ, तो संगठन आज भी है, लेकिन संगठन आज भी है, ऐसा नहीं है कि वो संगठन खत्म हो गए। लेकिन जब तक सत्ता का भय ठीक से नहीं होगा और ईमानदारी से लोग जब अपने बारे में नहीं सोचेंगे कि आखिर में क्या होगा, उसमें बहुत से लोगों ने अपने को खोया है, और 92 के में भी ले लो और इन 2018 की तत्काल चीज ले लो, ऐसा नहीं है कि 2018 के बाद 2019 में बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए,
लेकिन जिस तरीके से सरकार ने इस स्थिति पर नजर बनाए रखी और जो जम्मू कश्मीर में अभी 370 और 3500 को लेकर के जो सरकार ने बड़ा ईमानदारी से उसको कंट्रोल किया, ऐसा जनता को लगा यार कहीं कोई बात बनती है बिगड़ती है तो सरकार सख्ती से निपटेगी, इस वजह से ये भी मुझे लगता है कि वजह है। और दूसरा, दोनों पक्ष इसलिए संतुष्ट है कि मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी है और ये मुस्लिम पक्ष मानता आया है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी भी की है कि सारे पक्षों ने भगवान राम के जन्म स्थान को स्वीकार किया है, तो ये मुस्लिम पक्ष मानता आया है कि हाँ भगवान श्री राम का जन्म वहां हुआ है। लेकिन विवाद को लेकर के था, वहां मुस्लिम पक्ष के कोई ऐसे उनके लोग नहीं थे जहां उनका जन्म हुआ है। मस्जिद चलो थोड़ी दूर जाके बन जाएगी और ये शहर स्वीकार करने की बात है कि 5 एकड़ जमीन दे रहे हैं और जो मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अपील की है और कहा भी है आगे बढ़ के आए कि मंदिर में हम लोग सहयोग करेंगे, तो मैं भी थोड़ा सा हिंदू पक्ष के लोगों से कहना चाहूंगा कि वो भी यदि मस्जिद बनती है तो उसमें भी वो सहयोग प्रदान करें और वो भी कहें कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष मंदिर बनाने के सहभागी बनेंगे तो हम भी उनकी मस्जिद बनाने में सहभागी बनेंगे, तो एक और अच्छा संदेश है। आचार्य, जैसा कि सुनील जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि सरकार का शायद इम्पैक्ट ऐसा है कि लोगों में विश्वास भी बड़ा है और एक भय का माहौल भी, अगर ऐसा कुछ किया जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अयोध्या को लेकर भी जिस तरह से सतर्कता बरती गई उसके बाद एक भय का माहौल ये भी कि अगर कुछ किया जाता है तो कार्रवाई तो होगी, ये क्या जो साइन है वो सरकार के लिए पॉजिटिव है? नहीं, ये तो पॉजिटिव तो है ही साइन, क्योंकि एक भय तो रहना भी चाहिए सत्ता का, सरकार का, लेकिन ये अब अवेयर भी हो गई है पब्लिक बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि सरकार पहले भी थी, यही सरकार थी और इसी सरकार में जो अभी इन्होंने बताया कि विवाद हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद, तो विवाद आज भी हो सकते थे, लेकिन सबको पता है कि ये मामला बड़ा सेंसिटिव है और इस मामले पे कोई भी विवाद करना देश के हित में नहीं है। तो यहाँ जनता इस चीज को समझ रही है, कुछ लोग हैं अपनी बयानबाजी कर रहे हैं अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, लेकिन मैं धन्यवाद कहूंगा सुप्रीम कोर्ट को और उस जनता को भी और पूरे मुस्लिम समाज को भी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको स्वीकार किया। एक दो व्यक्ति की, और ओबीसी तो आप जानते हैं कि वो विवादित ही बयान देते हैं तो उनकी तो सारी दुकान उसी पे है, तो उनकी बात को इतना नहीं तूल देना चाहिए। बात यह है कि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज क्या कह रहा है, वो कहीं ना कहीं खुश है, हिंदू समाज खुश है और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ना हम हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, हम इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे, ये एक इंसानियत का फैसला दिया है और इस फैसले को सभी ने स्वीकार किया है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करूं। बिल्कुल, हर कोई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहा है और सम्मान कर रहा है और अपील यही कर रहा है कि आप इस फैसले का सम्मान करें, शांति बनाए रखें और जिस तरह से गंगा जमुनी तहजीब देश की पहचान रही है वो पहचान हमेशा रहनी चाहिए।